पहने पीला रेनकोट लूना चला रही थी साइकिल। बारिश का है मौसम, आने वाला है तूफान, सोचा उसने। पर बढ़ते बढ़ते आगे लगी गर्मी, चमकी धूप, चले गए बादल। जान गई लूना, नहीं जानती थी वो मौसम के बारे में कुछ भी। आ पहुंची वो एक मिट्टी भरे खेत में, जहां आमला और एंजेलो ने किया लूना को हेलो का इशारा। तेजी से चल रही लूना को किया आफरीन ने धीरे चलाने का इशारा। थी वो बहुत ही कूल, गांव की एक लौती वो पुलिस वुमन। रस्ते में बंधा था, जैसे उसके आगे खड़ा था एक बैनर, लिखा था उस पर जलवायु परिवर्तन। खोजो मुझे, मैं क्या करता हूँ, पता लगाओ, मेरी बनाई समस्याओं को अपने बिजनेस प्लान में सुलझाओ, अपना उद्यम चलाने का बेहतरीन मौका पाओ। निकाली अपनी आधी टूटी पेंसिल, एक कागज, लिख डाले उस पे दो शब्द, जलवायु परिवर्तन। लूना और उसकी टोली की लड़कियां अफरोजा, अमीना, अलीना और एलेक्सा कर रही थी कई दिनों से एक प्लान पर काम। लड़कियों का न्यूज चैनल ए समाचार। उत्साहित लूना ने सोचा, जलवायु परिवर्तन, ये उस्ताद अगर मिल जाते हैं ये होंगे एक अच्छी खबर, एक अच्छे मेहमान हमारे शो के लिए। यहां पहुंची लूना बरगद के पेड़ पर। जोर से पूछा लूना ने, क्या कर रही हो तुम? कुछ काम है जरूरी, लेने आए हैं यहाँ हवा ताजी, करने जांच तापमान की, आएगी बारिश या फिर आंधी। लूना ने सीखा था नया शब्द, कूल। क्या कूल? एलेक्सा बोली, यहाँ तो रहने वाला है गर्मी का माहौल, करो तुम तैयारी बाकी सभी समाचार की। मेहमान हमारे जलवायु परिवर्तन है मेरी जिम्मेदारी। लूना फिर मुस्कुराई, फिर बोली, कूल। गांव की ओर जहां पर बैठी थी तीन काम की औरतें, एक रिटायर्ड इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक जैविक किसान। कहां मिल सकते हैं मुझे जलवायु परिवर्तन? लूना ने किया सवाल। देखो उधर, इधर, यहां, वहां, हर जगह, यही सब जगह है जलवायु परिवर्तन। अवनी, एंड्रिया और अल्फाल्फा का दिया सुराग नहीं हो सकता गलत। अवनी आंटी ने की पहल विस्तार किया, 29 साल पहले की जैसे नहीं है बात, तब हम जानते थे कब होगी गर्मी कब बरसात, बिल्कुल ऐसा ही जैसा है ये रसीला एप्पल। एंड्रिया ने जोड़ा, हाँ नहीं था अब जैसा गिलगिले सेब जैसा कुछ भी, नहीं आती थी बाढ़। पूरे जोश में लूना ने भरी हामी। अवनी के शानदार सेब को देखकर बोली, तो ए फॉर एप्पल था जिसकी थी मुझे तलाश। अवनी ने थमाया लूना की हथेली में एक और सेब, शायद हाँ और शायद नहीं भी। तीनों 30 मार खां हो गए व्यस्त लेकर अपने जमाने की यादें। कुछ बदलाव हुए थे अच्छे, पर कुछ चीजें नहीं थी बढ़िया। अब लड़कियां थी तैयार, शुरू किया अपना पहला ब्रॉडकास्ट। खट खट खट, चेक किया, गुड इवनिंग दोस्तों, लड़कियों का पहला न्यूज चैनल है यहाँ और हम आपके लिए लाए हैं नए ताजे समाचार। वामिका की परीक्षा हो गई है खत्म और उसने बचाया है एक छोटे से पिल्ले को, और अब मेरी साथी एलेक्सा बताएगी तापमान का हाल। मौसम अभी ठंडा है और थोड़ा थोड़ा गर्म भी, थोड़ा उमस भरा भी, और काफी हो रही है सुबह में बारिश। क्यों बता रही हो तुम जो हो चुका है? समाचार में बताना होगा क्या है होने वाला, क्या यंत्र नहीं कर रहे हैं हमारे काम? एलेक्सा ने माइक छुपाकर दिया जवाब, चुप रहो, कर रहा है माइक काम, पर फिर भी हमें नहीं है पता क्या होगा मौसम का हाल। अलीना ने दिया एलेक्सा को धन्यवाद और बुलाया पहले मेहमान को। पेश करते हैं जलवायु परिवर्तन। नहीं था ये कोई इंसान, उचकाए कंधे लूना ने और रख दिया अपने सेब का बचा हुआ टुकड़ा वहीं डिब्बों की बनी मेज पे। 2 मिनट के लिए था वहां पर सन्नाटा। तेज हवा से जैसे ही खनकी कुछ घंटियां, तभी एलेक्सा को आया एक आइडिया। वो बोली, श्रोताओं धन्यवाद आप सभी का जो आप हैं अभी तक कायम।
सच ये है कि नहीं जानते हम जलवायु परिवर्तन कहाँ है। हम हैं एक सच्ची न्यूज सेवा, नहीं देंगे आपको कोई भी झूठी कहानी। अब जो बात है ढूंढने की इस मेहमान को, अगले सप्ताह लौटेंगे फिर लेकर जानकारी। हमारे बहुत ही होनार और कुशल रिपोर्टर ढूंढ लाए हैं एक सुराग, एक एप्पल जो एक जमाने में हुआ करता था एक रसीला जैविक फल। शांत रही लूना, ये तो नहीं थी एक असली न्यूज, पर खुले थे इससे भी कुछ राज। लूना ने दी सहमति, बुला सकते हैं इस न्यूज को ए समाचार। बस रहे पता कि क्या है मुद्दा, क्या है रिपोर्ट और कौन है आने वाले मेहमान।